नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पिछले कुछ दिनों से मौसम शुष्क होने के कारण गर्मी में भी इजाफा हुआ है, तो वहीं मौसम विभाग ने मौसम की नई अपडेट जारी करते हुए 1 मार्च तक मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 26 फरवरी को राज्य के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं और खासकर ऊंचाई वाले स्थानों में हल्की से बहुत हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा 27 फरवरी को भी उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले में ऊंचाई वाले स्थानों में बारिश के साथ बर्फबारी के अलावा 28 फरवरी को भी उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के साथ पिथौरागढ़, बागेश्वर जिले में हल्की हल्की बरसात हो सकती है और बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने 1 मार्च को भी मौसम पूर्वानुमान जारी करते हुए गढ़वाल मंडल के साथ साथ पिथौरागढ़, बागेश्वर जिले के कुछ स्थानों में बारिश की संभावना जताई है। साथ ही कुमाऊं मंडल के कई जिलों में भी हल्की बारिश और बर्फबारी होगी। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 से 4 दिन उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने 1 मार्च के लिए मौसम पूर्वानुमान जारी करते हुए राज्य के जिलों में कहीं कहीं बादल विकसित होने के साथ साथ आकाशीय बिजली चमकने और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। तो मौसम से जुड़ी हमारी इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।